हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेडमी नोट 10 प्रो का फोन कैसा दिखता है। वो चीज कंफर्म होकर सामने आ चुकी है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि वो एक्चुअली दिखने में कैसा है और उसका बॉक्स कैसा देखने के लिए आपको मिलेगा। वो सारी चीज लीक के थ्रू आई है मेरे पास, वो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने सारी स्पेसिफिकेशन दिखाई थी जो लीक के थ्रू मिली थी, जो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि वो दिखने में कैसा है, उसका जो रियर कैमरा है, रियर कैमरा का जो सेटअप है, क्वाड कैमरा का सेटअप है, वो कैसा है, वो सारी चीज मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूं। गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो फोन है तो उसका लुक कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फोटो, तो ये एक फोटो लीक के थ्रू आई है जो कि कंफर्म फोटो है कि इसी तरीके का जो कैमरा सेटअप आपको दिख रहा है, इसी तरीके का कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि प्राइमरी कैमरा ऊपर है और दूसरा नीचे कैमरा है, और दोनों के बीच में दो कैमरा और है, यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप पूरा दिया गया है। काफी अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया है, थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है इसका। और सामने मैं आपको बता दूं कि इस फोन में सामने एक पंच होल के साथ आपको फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि ये एक बॉक्स की फोटो है जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ Redmi Note 10 Pro, तो इससे हमको पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है कि Redmi Note 10 Pro जो हमारे पास आएगा उसका लुक इस तरीके से होने वाला है, ये फोन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो गाइस यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा हाईलाइट करके नहीं दिखाया गया है या फिंगरप्रिंट सेंसर को, यानी कि बैक में तो नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और अगर साइड माउंटेड होता तो वहाँ पे भी थोड़ा हाईलाइट करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं किया हुआ है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि एमोलेड पैनल हो और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो। तो ये अभी तक कन्फर्म होकर सामने नहीं आई है, इसलिए मैं कन्फर्म आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही कन्फर्म चीज़ मेरे सामने कुछ आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 4G फोन रहने वाला है, इसका जो रेट मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड रेट के 16,000 के अराउंड में आपको ये फोन मिल जाएगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, तो मुझे आपको बस ये शेयर करना था कि इसका जो कंफर्म फोटो कंफर्म लुक आ गया था, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।